हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामेटिकली योर्स। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एपिसोड 4 ऑफ द कोरियन ड्रामा समर स्ट्राइक। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बिलियर्ड हॉल का ओनर जो है वो रिलेटर्स से बात करता रहता है कि इवन दो योरम वहाँ पे रहती है, हमें ये बिल्डिंग को बेचना है, इसीलिए तुम कुछ ना कुछ उसके बारे में करो। रियल्टर उसे एश्योर करता है कि उसने ऑनलाइन ऑलरेडी पोस्ट किया है। रियल्टर का बेटा वहाँ पे आता है जो कि एक पुलिसमैन है। बिलियर्ड हॉल के इंसिडेंट के बारे में उसे पता चलता है और वो कहता है कि वो वहाँ पे सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन कर देगा, क्यों, ताकि अगर कोई भी आएगा तो वो सीसीटीवी में कैप्चर हो सकेगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं योरम को बहुत बुरा हैंगओवर होता है, उसको पिछले रात के इंसिडेंट कुछ भी याद नहीं रहते। वो अपने किचन में देखती है कि किसी ने हैंगओवर सूप बना के गया होता है। वो एक्चुअली बमी है जो उसे थैंक यू कहना चाहती है कि उसने उसकी दादी माँ की हेल्प की। उनको एक ATM ट्रांजैक्शन स्लिप मिलता है जिसमें से वो देखती है कि उसके अकाउंट के सारे पैसे किसी ने विड्रॉ कर लिए हैं। वो घबरा जाती है, वो बिल्कुल भी पिछले रात के इंसिडेंट्स को रिकॉल नहीं कर पाती है, इसीलिए उसे नहीं पता कि किसने निकाला, इसलिए वो हड़बड़ी में जो ATM स्टोर है वहाँ पर जाती है। तभी वो मार्ट की आजुमा आती है और उसे कहती है कि उसने पिछले रात क्या क्या किया यहाँ पे। वो यहाँ से ATM से पैसे निकालना चाहती थी, लेकिन क्योंकि उसका अमाउंट बहुत बड़ा था वो ATM में नहीं था, इसीलिए उन्होंने उसे वहाँ से। ये सारी चीज़ें सुनती ज़रूर है लेकिन वो बिल्कुल भी रिकॉल नहीं कर पाती कि क्या हुआ है। फिर वो सीधा जाती है बैंक में और वहाँ पे रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें CCTV फुटेज दिखा सके, ATM जो सिचुएटेड है बैंक के बाजू उसका। लेकिन वो लोग कहते हैं दे हैव देयर प्रोटोकॉल्स एंड ऑल, लेकिन तभी वहाँ पे संगमिन होता है और कोइंसिडेंशियली वो जो मैनेजर है वो संगमिन का दोस्त होता है, इसीलिए उसे फिर CCTV का फुटेज वो लोग दिखाते हैं और वहाँ पे वो अपने एम्बैरेसमेंट एक्ट को देख लेती है कि कैसे वो पी के अजीबो हरकत करके उसने ही सारा अमाउंट अपने ATM से निकाला था और वो ATM के बाहर चली गई थी पैसे को एक ब्लैक कलर के पॉलिथिन में लेके। वो CCTV फुटेज में वो देखती है कि अंधेबूम जो है वो ATM के बाहर था, इसीलिए वो अंधेबूम के पास जाती है उससे पूछने के लिए कि एक्चुअली इंसिडेंट क्या हुआ था। फिर अंधेबूम उसे एलाबरेटली बताता है कि उसने उसकी मदद की थी, वो पी के रास्ते पे गिर रही थी एंड उसने कैसे ना कैसे करके उसको के तरफ तक छोड़ दिया था। तब तक उसके हाथ में वो पैसे भी थे लेकिन उसके बाद का उसे नहीं पता। योरम अपने हरकतों से शर्मिंदा ज़रूर है लेकिन यहाँ पे वो पैसे ढूंढने में ज़्यादा फोकस कर रही है। उसे यहाँ पे भी डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। फिर वो किम्बम के घर भी जाती है पूछने के लिए कि क्या उसने पैसे को देखा है क्या करके, लेकिन वहाँ पे किम्बम नहीं होती, वो स्कूल गई होती है। उसकी दादी माँ से वो ऐसे ही कैजुअल बात करके वहाँ से आ जाती है, उससे वो कुछ भी पूछने नहीं जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारा देवम जो है वो वर्ड हो जाता है योरम को लेके, वो भी पैसे ढूंढने के लिए शुरू करता है। वो अंगों का खुना खुना छान मारता है और योरम भी इस तरफ से डस्टबिन्स बीट्स कोना कोना लाइक जहाँ पे भी उसको लगता है कि पैसा गिर गया होगा वो हर जगह वो छान मारती है। सारा दिन वो छान मारने के बाद भी उसको कोई भी आउटकम नहीं मिलता। वो हताश होके अपने घर की तरफ आ रही होती है तभी देवम आता है एक प्लास्टिक बैग में पैसे लेके और उसे दे देता है, ये तुम्हारा पैसा है। योरम पूछती है उससे, मैं सुबह भी आपके पास आई थी पूछने के लिए कि क्या आपने पैसे देखे, तब तो आपने मना किया था, अब कैसे आपके पास हुआ, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। इस तरह से वो उस पर चिल्लाने लगती है क्योंकि उसको लगता है कि देवम ने प्रैंक किया, क्योंकि वो पहले गई थी उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया था, अब जाके वो रात को दे रहा है उसको। अंधेबूम कुछ भी जस्टिफाई नहीं करता, उसको सॉरी कह के वो चुपचाप वहाँ पे खड़ा रहता है। योरम उस पर चिल्लाती है, थोड़ा गुस्सा करती है और फिर वहाँ से अपने पैसे लेके चली जाती है। फिर योरम अपने बिलियर्ड हॉल वापस आती है, बोमी वहाँ पे वेट कर रही होती है योरम का। योरम उसे थैंक यू बोलती है कि उसने उसके लिए हैंगओवर सूप बनाया। फिर वो उसे अंदर इन्वाइट करती है। जब वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कोई उन्हें झांक रहा होता है, ये दोनों उसे देख लेते हैं और उसके पीछे भागते हैं। जब वो
उसको पकड़ लेते हैं तब पता चलता है कि वो एक्चुअली किमबोम का क्लासमेट है जिसका नाम जेहून है। वो एक्चुअली देखने आया था कि किमबोम क्या कर रही है, क्योंकि वो स्कूल अटेंड नहीं कर रही है पिछले कुछ दिनों से, ही वॉज़ वरीड, इसीलिए वो उस पर चेक करने के लिए आया था। फिर योरम उसको भी बिलियर्ड हॉल में इनवाइट करती है एंड वो लोग पिज्ज़ा खाने का डिसाइड करते हैं। तभी वहाँ पे संगमिन आ जाता है नीचे और वो उसे बहुत सारी घर की सामान देता है लाइक, एंड ही इज़ फॉर अ चेंज वेरी फ्रेंडली टूवर्ड्स हर। एंड उसको समझ नहीं आता कि क्यों, उसको वियर्ड लगता है ऑफकोर्स। एंड वो अपने बेटे को वहाँ पे ले आया होता है जिसका नाम जून है। फिर वो उसकी किचन का जो पाइप टूट गया था उसको फिक्स करने में भी उसकी मदद करता है। योरम को ऑफकोर्स ये सब थोड़ा वियर्ड लगता है बिकॉज कल तक वो उससे फ्रेंडली भी नहीं था और आज वो अचानक आ रहा है, उसको घर की ज़रूरतमंद चीज़ें दे रहा है और उसको घर की मरम्मत करने में भी हेल्प कर रहा है, बट स्टिल वो हेल्प ले लेती है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जो रेस्टोरेंट ओनर है उनके घर में एक लड़का भी है जो कि उनका बेटा है, जो एक्चुअली मेंटली थोड़ा अनस्टेबल है। और वो उसे बताती होती है कि समझा रही होती है कि वो घर से बाहर ऐसे नहीं निकल सकता, उसके लिए बहुत डेंजरस है। ये लड़के का नाम गोनो है। फिर सीन शिफ्ट होता है बिलियार्ड हॉल में जहाँ पे संगमिन प्लम्बिंग करने के लिए मदद कर रहा होता है लेकिन वो पाइप फिक्स नहीं कर पाता, बूम कर देती है। संगमिन वहाँ पे एम्बेरस्ड हो जाता है और वो नीचे आ जाता है। योरम भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और संगमिन उसे एक एनवलप देता है जिसमें थोड़े कैश होते हैं। वो कहता है कि उसके बेटे ने जो है अपना गुल्लक तोड़ के वो कैश दिया है और वो उनको सजेस्ट करता है कि वो लोग पिज्ज़ा खाए उससे। एंड योरम मना करती है, उसको समझ नहीं आता कि ये लोग उसे पैसे क्यों दे रहे हैं। और तब जाके संगमिन उसे सिचुएशन के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसका जो पैसे का बैग था वो एक्चुअली उसके बेटे को स्कूल जाते टाइम रोड पे मिल गया था और क्योंकि उसका बेटा बहुत सारे फेरी टेल्स देखता है, उसको लगा कि भगवान ने उसको रिवॉर्ड दिया है, इसलिए वो थैला लेके अपने घर आ जाता है। और जब संगमिन को ये सारी बातें समझ आती है शाम को, उसने जाके अंधेबूम से बात किया और फिर अंधे बोम ने जो है वो कैश का बैग लेके योरम को दिया। अब हमें सिचुएशन समझ आती है और तभी योरम को बहुत बुरा लगता है कि उसने जो है अंधे बोम पे इतना बुरी तरह से चिल्लाया जबकि उसकी गलती नहीं थी, वो सिर्फ हेल्प कर रहा था। ऑन कॉन्ट्ररी संगमिन पूछता है उससे कि देबोम ने जून के बारे में नहीं बताया था क्या। योरम कहती है कि नहीं, उन्होंने मेंशन नहीं किया था। और योरम उसे एश्योर भी करती है कि वो किसी को भी ये बात नहीं बोलेगी क्योंकि ये एक जेन्युइन मिस्टेक था एंड इनफैक्ट उसका ही फॉल्ट था। फिर संगमिन वहाँ से अपने बेटे को लेके चला जाता है। जब वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं, जून देखता है कि उनके ट्रक में जो है एक एनवलप में थोड़े से कैश भरे हुए थे जो योरम ने जून को दिया था। संगमिन कहता है कि उन्होंने तुम्हें प्यार से दिया है इसीलिए तुम इसे रख सकते हो। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग भी पिज्ज़ा खाएंगे। है बिलियार्ड हॉल में जहाँ पे पहले तो बोमी, जेहून और योरम मिलके पपी का क्या नाम रखे वो डिसाइड कर रहे होते हैं और फाइनली दे डिसाइड कि वो लोग उसका नाम घ्योल्ड रखेंगे। एंड फिर बात करते करते ये जिक्र आ जाता है और हमें पता चलता है कि बिलियार्ड हॉल एक्चुअली ओरिजिनली जो है अंधे बोम की फैमिली यहाँ पे बिजनेस करती थी लेकिन एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से वो लोग की पूरी फैमिली कैसे स्प्लिट हो गई। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि अंधेबूम की बहन जो है उसकी मौत के बिलियार्ड हॉल में हुई थी जिसके बाद अंधेबूम की पूरी फैमिली बिखर गई थी और अंधेबूम ने ये इंसिडेंट देखा था। लाइक उसने पहले उसकी बहन की बॉडी को डिस्कवर किया था और अब जाके हमें देबोम की फैमिली के बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में पता चलता है। और यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। इसके आगे क्या होता है ये हम देखते हैं अपने अगले एपिसोड में। अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, मुझे उसकी बहुत बहुत ज़रूरत है। और हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। साइनिंग ऑफ ड्रामेटिकली योर्स।